मित्रों नमस्कार, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप कुशल पूर्वक होंगे और इस वर्ष से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें हमने लेसन द कोल्ड वार एरा, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज जो थर्ड लेसन जो आपका चल रहा है यूएस हेगमन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व के क्वेश्चन कुछ मैं करा चुका हूँ। आज हम 9/11 के बारे में पढ़ेंगे और 9/11 के अलावा हम आज आपको पढ़ाएंगे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप बताएंगे व्हाट इज 9/11, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस। सबसे पहले हम 9/11 के बारे में पढ़ेंगे और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। 9/11 क्या था? तो देखिए, इसके अंदर 9/11 केम टू बी नोन एज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एंड ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस। 9/11 को के दिन को यूएस के इतिहास में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट और ब्लैक डे, काले दिवस के रूप में जाना जाता है। क्या हुआ था ऐसा 9/11 के दिन? अब 9/11 को समझिए। यदि हम हिंदी अपने इंडियन कैलेंडर की बात करते हैं, भारतीय कैलेंडर की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, उसके बाद मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। लेकिन जो अमेरिकन कैलेंडर है उसमें सबसे पहले क्या है, मंथ आएगा, फिर डेट आती है, फिर ईयर आती है। तो जो 9/11 का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ 9 का मतलब यहाँ मंथ है सितंबर और 11 का मतलब यहाँ डेट, दिनांक से, तिथि से है। तो इसका मतलब है कि 11 सितंबर को ऐसा क्या घटना घटित तो हुई यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, जिसको उसने बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और ब्लैक डे के नाम से उसके इतिहास में जाना जाता है। आज उसी 9/11 के बारे में हम आपको बताएंगे। तो 9/11 केम टू बी नोन एज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एंड ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस ऑन 11 सितंबर 2001। क्या हुआ था 11 सितंबर 2001, मतलब 11 सितंबर 2001 को 19 हाईजैकर्स हेलिंग फ्रॉम ए नंबर ऑफ अरब कंट्रीज, अरब देशों के 19 हाईजैकर्स ने टू कंट्रोल 4 अमेरिकन कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट, 4 अमेरिकी व्यावसायिक जो विमान थे उनका अपहरण कर लिया। शॉर्टली आफ्टर देयर टेक ऑफ, कुछ ही समय के बाद, उड़ने के कुछ समय के बाद ही 19 हाईजैकर जो अरब कंट्रीज के थे, अरब देशों के थे, उन्होंने 4 अमेरिकी जो कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट थे उनको हाईजैक कर लिया एंड फ्लू देम इनटू इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इन द यूएस, और यूएस की, यूनाइटेड स्टेट की, अमेरिका की जो महत्वपूर्ण इमारतें थी उनकी सीध में उड़ाकर ले गए। अब वो क्या किया उनका, 1 एयरक्राफ्ट ईच, उनमें से 2 एयरक्राफ्ट को, 1 एयरलाइन ईच क्रैश इनटू नॉर्थ एंड साउथ टावर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का वर्ल्ड जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के अंदर, उसके एक दक्षिणी और एक उत्तरी जो टावर था उस पर 2 एयरक्राफ्ट को टकरा दिया। ए थर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश इनटू द पेंटागन बिल्डिंग इन एरलिंगटन। अब जो तीसरा जो एयरक्राफ्ट था, विमान था, उसको पेंटागन, एरलिंगटन में पेंटागन उनकी बिल्डिंग है जहां अमेरिकन रक्षा विभाग का कार्यालय है, डिफेंस हेडक्वार्टर है, वहां पर डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है पेंटागन के अंदर, उसकी बिल्डिंग से टकराया। द फोर्थ एयरक्राफ्ट प्रिज्यूमली बाउंड फॉर द कैपिटल बिल्डिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस। चौथा जो विमान था उसको अमेरिकी कांग्रेस की जो बिल्डिंग थी उससे टकराना था, लेकिन वह एयरक्राफ्ट पेनिसिलवेनिया के जंगल में जा गिरा, वो उस कांग्रेस की, जो यूएस कांग्रेस की इमारत से नहीं टकराया, और कुछ गड़बड़ होने के कारण वो जो पेनिसिलवेनिया के जो जंगल थे उसके अंदर एक गांव के पास गिर गया। द अटैक्स हैव केम टू बी नोन एज 9/11। इन हाईजैकर्स, आतंकवादियों के द्वारा यूएस की जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग थी, 4 जो व्यावसायिक जो विमान जो हाईजैक किए थे उनको महत्वपूर्ण बिल्डिंगों पर टकराया गया, बहुत ज्यादा अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था से तहस नहस हो गई, बहुत ज्यादा लोग वहां मारे गए। उसी घटना को, इसी अटैक को 9/11 के नाम से
यूएस हिस्ट्री में जाना जाता है, यूएस के इतिहास में इसको 9/11 के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी बात हम करेंगे, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ट बाय न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था क्या है। अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, इन अगस्त 1919 इराक इन्वेडेड कुवैत। आपको जैसे मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ इराक ने किस तरह से कुवैत पर अपना कब्जा किया था, तो इन अगस्त 1990 के अंदर इराक इन्वेडेड कुवैत, इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, रैपिडली ऑक्यूपाइंग एंड सब्सिक्वेंटली एनेक्सिंग इट आफ्टर ए सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स फेल्ड। अब देखिए संसार के बहुत से देशों ने उसको समझाया लेकिन इराक कुवैत से अपना कब्जा हटाने को तैयार नहीं हुआ। सारे के सारे डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट से जो कूटनीतिक जो प्रयास थे वो असफल हो चुके थे और उसको समझाने के सारे प्रयास असफल होने के कारण क्विटेड अग्रेशन, क्योंकि इराक बहुत अग्रेसिव था, बहुत ज्यादा आक्रामक था, वो आक्रामक नीति को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए यूनाइटेड नेशन मैंडेटेड, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने फैसला लिया द लिबरेशन ऑफ कुवैत बाई फोर्स, की कुवैत को बलपूर्वक इराक से मुक्त कराया जाएगा। इसलिए यूएस की लीडरशिप के अंदर 34 कंट्रीज की सेना इकट्ठी की गई जिसमें 660,000 सैनिकों को इकट्ठा किया गया और इराक पर हमला किया गया जिसमें इराक की हार हुई फॉर द यूएन। अब देखिए यूनाइटेड नेशन ने जो ये निर्णय लिया था कि कुवैत को इराक से बलपूर्वक आजाद कराया जाएगा, उसको स्वतंत्रता दिलाई जाएगी, मुक्त कराया जाएगा, लेकिन यूएन ने ये जो निर्णय लिया उससे पहले सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो कोल्ड वार की स्थिति थी, जो दौर था उसमें यूनाइटेड नेशन ने किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन कोल्ड वार के बाद ये जो निर्णय लिया गया यूएन के बाद फॉर द यूएन दिस वाज ए ड्रामेटिक डिसीजन, एक नाटकीय निर्णय था यूएन के द्वारा आफ्टर इयर्स ऑफ डेडलॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वार। कोल्ड वार के दौरान यूएन का कोई रोल नहीं था, कोई भूमिका नहीं थी, किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया, लेकिन कोल्ड वार के बाद ये यूएन के द्वारा लिया गया एक बहुत ही नाटकीय निर्णय था। द यूएस प्रेसिडेंट, इस निर्णय के कारण ही द यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हेल्ड इट एज द इमरजेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यूएन के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया था इराक को कुवैत को इराक से बलपूर्वक मुक्त कराने का, इसी ऑर्डर को अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया, इसी को नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया गया, इसी को हम नई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। आगे हम हेगमनी ऑफ यूएस के बारे में बताएंगे कि अमेरिकी वर्चस्व किस तरह से है। अब हम आपको बताएंगे अमेरिकी वर्चस्व कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका का वर्चस्व कैसे, कौन से कारण है जिसके कारण से अमेरिका का वर्चस्व विश्व के अंदर है, अमेरिकी प्रभुत्व जो है वो कहां पर है विश्व के अंदर किन कारणों से है। तो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूएस हेगमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ऐसे कौन से कारक है जिसके कारण हम कहते हैं कि आज दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा वर्चस्व वो किसका है, अमेरिका का। उसका तो मेन रीजन, पहला फैक्टर है द यूएस हेगमनी एज ए हार्ड पावर। तो इसमें आप बताएंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी ऑफ यूएस पावर इज इट्स सुपीरियरिटी इज मिलिट्री पावर। देखो अमेरिका का वर्चस्व विश्व में क्यों है, अमेरिका का वर्चस्व विश्व में इस कारण से है आज उसकी जो सैनिक शक्ति है, सैनिक जो ताकत है विश्व के किसी भी देशों के अंदर नहीं है। आज अमेरिकी जो सेना है वो कभी भी किसी भी समय एक रियल टाइम पर एक्यूरेसी पर इस प्लेनेट के ऊपर कभी भी किसी भी स्थान पर जा सकती है। तो अमेरिका के पास इतनी मिलिट्री पावर है, सबसे अच्छी जो सेना है सैनिक ताकत के रूप में अमेरिका का वर्चस्व है, अमेरिका की सेना का, अमेरिकी जो सेना है उसके मुकाबले विश्व के अंदर किसी भी देश के अंदर ऐसी पावर जो अमेरिका की सेना के अंदर है वो नहीं है। तो मिलिट्री पावर है, मिलिट्री पावर के कारण अमेरिका का वर्चस्व आज विश्व के अंदर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका के नीचे जो 12 अलग अलग जो देश है जो बहुत ही ज्यादा मिलिट्री पावर रखते हैं, खर्च करते हैं, वो 12 देशों मिलाकर भी वे देश अमेरिका जो अपनी सेना पर खर्च कर रहा है, अमेरिका के द्वारा अपनी सेना पर जो खर्च किया जा रहा है उसके नीचे के जो 12 कंट्री यदि उन सबको मिला दें वो भी उतना खर्च नहीं करते। इसलिए
अमेरिका की सैनिक जो ताकत है आज विश्व के साथ विश्व के अन्य देशों में नहीं है। विश्व के कोई भी देश अमेरिकी सैनिक ताकत के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएस का वर्चस्व है। दूसरा रीजन है तो इसमें आप बता रहे थे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी ऑफ यूएस पावर इट्स सुपीरियरिटी ऑफ इट्स मिलिट्री पावर। अमेरिकन मिलिट्री डोमिनेंस इन बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। इन एब्सोल्यूट टर्म द यूएस हैज मिलिट्री कैपेबिलिटीज दैट कैन रीच एनी पॉइंट ऑन प्लेनेट एक्यूरेटली लेथली एंड द रियल टाइम। कभी भी इस प्लेनेट के ऊपर किसी भी स्थान पर कभी भी निश्चित समय में पहुंच जाएगी। नो अदर पावर कैन रिमोटली मैच यूएस मिलिट्री माइट। कोई भी देश अमेरिकी सैनिक ताकत के मुकाबले नहीं है। इट स्पेंड्स मोर ऑन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी देन द नेक्स्ट 12 पावर्स कंबाइंड। अमेरिका के आगे जो 12 और देश नीचे जो 12 देश है उन सबको मिला दे अपनी सेना पर जो खर्च करता है अमेरिका उससे भी ज्यादा अपनी सेना पर खर्च करता। तो यूएस हेगमोनियन वर्ल्ड पॉलिटिक्स किसके कारण से मिलिट्री पावर के कारण है। दूसरा यूएस हेगमोनी एज ए स्ट्रक्चरल पावर संरचनात्मक ढांचा भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व के अंदर जितनी भी पब्लिक गुड्स है वो सारे के सारे अमेरिका प्रोवाइड कराता है। बहुत ज्यादा पब्लिक गुड्स है लोगों के द्वारा यूज किए जाने वाली जो उपयोग में लिए जाने वाली वस्तु है उसमें से सबसे ज्यादा विश्व के अंदर जो वस्तु प्रोवाइड करा रहा है पब्लिक गुड्स वो कौन कराता है अमेरिका कराता है। तो हेगमोनी इन दिस सेकंड सेंस इज द रोल प्लेड बाय द यूएस इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल गुड पब्लिक गुड्स। वैश्विक स्तर पर लोगों के द्वारा जो वस्तुएं उपयोग में ली जा रही है उनको प्रोवाइड कौन कराता है अमेरिका सबसे ज्यादा करवाता है। एंड द नोवल पावर ऑफ द हेगमोनी इन अनदर रीजन फॉर इट्स स्ट्रक्चरल पावर। और अमेरिकी नौसेना भी बहुत ही पावरफुल है। जो समुद्री रास्ते पर जो व्यापार होते हैं उसके नियम कानून कौन बनाता है अमेरिका बनाता है क्योंकि उसकी नौसेना की जो पावर है वो भी बहुत ज्यादा है। और जो व्यापारिक मार्ग है उनके जो रूल रेगुलेशन है बनाने का काम अमेरिका करता है क्योंकि उसकी नौवल शक्ति बहुत ही पावरफुल है। द यूएस आल्सो अकाउंट फॉर 15% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। अब देखिए यूएस विश्व के अंदर जितना व्यापार होता है विश्व व्यापार में अकेले 15% की हिस्सेदारी अमेरिका की है। इतने ज्यादा देश है विश्व के अंदर तो उस विश्व व्यापार में अकेले अमेरिका की जो हिस्सेदारी है विश्व व्यापार के अंदर वो 15% अकेले अमेरिका की है। तो आप समझते हो कि उसकी इकोनॉमिक पावर कितनी है। एंड वर्ल्ड बैंक IMF WTO वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज्यूम एज प्रोडक्ट एज द अमेरिकन हेगमोनी। चाहे वर्ल्ड बैंक है चाहे IMF है चाहे WTO है ये सारे सारे अमेरिकी वर्चस्व का ही नतीजा है। इन सभी में किसका वर्चस्व है अमेरिका का। सबसे ज्यादा जो फंडिंग करता है वो अमेरिका ही करता है तो ये अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाता है। द यूएस इज द मोस्ट सेडेक्टिव एंड मोस्ट पावरफुल कल्चर ऑन अर्थ। और इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जो संस्कृति है वो किसकी है कल्चरल जो पावरफुल कौन है वो अमेरिका है। तो ये सारी चीजें ऐसी बताती है जो अमेरिकी वर्चस्व को विश्व राजनीति में स्थापित करती है। उसकी मिलिट्री पावर उसका व्यापार उसकी जो नोबल पावर है या उसकी कल्चरल या उसका जो स्ट्रक्चरल पावर है इकोनॉमिक पावर है पॉलिटिकल पावर है उससे ज्यादा किसी और देश की नहीं है। इसलिए विश्व राजनीति में आज अमेरिका का वर्चस्व है। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम आपको दे रहे हैं। सभी क्वेश्चन आपने करने और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। थैंक यू।